प्रभु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत अद्भुत की आशीष दे। आमेन हालेलुया। चलिए वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य के 19वां अध्याय को हम लोग समाप्त करना बाकी है। प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय को हम बढ़कर आगे बढ़ते हैं, उसे आज समाप्त करते हैं। पहला वचन से लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों का लहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुग उड़ता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमेन हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। फिर उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो ईश्व की गवाही देने पर स्थिर हूं। परमेश्वर की ही दंडवत कर, क्योंकि ईश्व की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो मैंने स्वर को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ा पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और लोहू का राज दंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड को कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह छोटा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और उसको और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उन मांस से तृप्त हो गए। तो यहां हमने देखा है कि एक श्वेत घोड़ा है और श्वेत घोड़े पर सवार है जो सर्वशक्तिमान है, सत्य कहलाता है, जिसे हमने देखा है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो अपने घोड़े को लेकर वे प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार की यात्रा में निकले। मैंने कहा घोड़ा एक दुल्हा अपनी विवाह के समय लेकर जाता है, वो विशेष घोड़ा है, और दूसरा घोड़ा वो है
दूसरा घोड़ा वो है जो युद्ध के लिए जाते हैं। युद्ध के लिए जाते समय, क्योंकि हमने जितने भी चिन्हों को प्रकाशित वाक्य में देखा, हमने सब कुछ सूरज चांद सितारों के रूप में, बादलों के रूप में, पहाड़ों के, नदियों के, समुद्र के रूप में, घोड़ों के रूप में, रथों के रूप में देखा है, मेमने के रूप में देखा है, सब कुछ जो कुछ भी आज हम इस प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वो सब चित्रों के साथ में वर्णन किया गया है। और इन चित्रों के बारे में जानकारी लेना हमें जरूरी है, इनके बारे में अध्ययन करना भी अवश्य है। जैसे आज अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में आज पूरा पिक्चर लैंग्वेज है। आज लोग शब्दों को कम लिखते हैं, वाक्यों को कम लिखते हैं व्हाट्सएप में। कुछ भी अच्छा है लिखना है तो बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, अच्छा नहीं बोले तो ऐसे लिखेंगे, जो भी हो एक चित्र सब कुछ व्हाट्सएप में, सब कुछ पिक्चर लैंग्वेज चलती है। व्हाट्सएप के पिक्चर लैंग्वेज को आज हम लोग 2000 साल के बाद देखते हैं, लेकिन यूहन्ना ने जो कुछ भी लिखा स्वर्ग के बारे में सब व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है। आज की व्हाट्सएप भाषा आपको अगर समझ में आती है तो प्रभु को जानने वालों को, उनकी आत्मा को पाकर उनकी आत्मा में चलने वालों को परमेश्वर के 2000 साल पहले के चित्र की भाषा समझ में आती है। सो भविष्यवाणियों को अगर पढ़ना है, समझना है, चित्रों को भी समझना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं उन्हें सरल रूप से, स्पष्ट रीति से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो घोड़े पर सवार है, एक घोड़े पर जो सवार है वो श्वेत वस्त्र, श्वेत घोड़े पर है, लेकिन उन्होंने जो वस्त्र पहना था वो वस्त्र लहू से भरा हुआ था, लहू से भरा हुआ था। मैंने कहा कि ये दो प्रकार के लहू है, एक उनका अपना और दूसरा उनके भक्तगणों का। जितने लोगों के भी लहू बहाया गया वो सब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह चिन्ह ये दिखा रहे हैं मैं जो युद्ध कर रहा हूं वो युद्ध इस कारण से है। अकारण से परमेश्वर कोई काम नहीं करते हैं, अकारण से बिना वजह बताए परमेश्वर कोई काम नहीं करते हैं। हमारे पड़ोसी देश लोग हैं जो सरहदों के ऊपर अकारण से कभी यहां से बम डाल दिया, कभी वहां से, कारण नहीं बताएंगे। आपको किसलिए गुस्सा है तो बताओ, क्यों बम डाल रही हो तो बताओ, क्या चाहते हो, किसलिए युद्ध करना चाहते हो, कुछ बताएंगे नहीं। यहां से ऐसा डाल देंगे, वहां से ऐसा डाल देंगे। देश देश के लोग, राजा राजा लोग, सब लोग अकारण से अपने अपने बम डालते हैं, युद्धों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी अकारण से किसी से कोई काम नहीं करते हैं। अगर सोचे परमेश्वर बिना कारण बताए युद्ध करने जाते हैं, वैसे तो युद्ध करते नहीं है। परमेश्वर ने इतने हजारों वर्ष अपने संयम को दिखाया ताकि युद्ध को टाल दे। परमेश्वर नहीं चाहते कि युद्ध हो, इसलिए और बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि युद्ध में मरने वालों की संख्या कम होकर युद्ध से बचकर स्वर्ग राज्य में जाने वालों की संख्या बढ़ जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि युद्ध में लोग ज्यादा आए, परमेश्वर चाहते कि युद्ध से बचकर लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर अपने संयम को दिखा रहे, धीरज को दिखा रहे, और इंतजार कर रहे, और विलंब कर रहे। अभी आरंभ बोलते हैं लेकिन आते नहीं, कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो युद्ध करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबको स्वर्ग राज में लेकर जाए। उस हर्मगेदोन की जो रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र है, उस युद्ध क्षेत्र में परमेश्वर चाहते कि कोई आए ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम का संदेश भेजा है, अपने पुत्र इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा है ताकि वो जाकर सभी को सुसमाचार सुनाए, उद्धार का सुसमाचार सुनाए, और जब वे सुनते हैं तो वे लोग अपने मन को फिराए और स्वर्ग में चले जाए। जो स्वर्ग में नहीं जा पाते हैं वे वहां पर जा पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि कोई उस युद्ध में ना आए। प्रभु की इच्छा किसी को नाश होता हुआ देखना नहीं है, किसी को नाश होता देख नहीं सकते। प्रभु की इच्छा है कि कोई भी नाश की ओर ना जाए। इसलिए उन्होंने कहा, जो कोई भी यीशु मसीह को उद्धार करता के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास को रखते हैं, वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। खुदावन चाहते कि अनंत जीवन प्रदान करें। युद्ध परमेश्वर का योजना नहीं है, युद्ध शैतान की योजना है, शैतान की इच्छा है। वो शैतान चाहता कि युद्ध करें। कौन देश चाहता है कि खामखा जाकर युद्ध करे? वही देश जिसके मन में कुछ ना कुछ घूमते रहता है, जब वो खाली बैठता घूमते रहता है, अरे मेरा देश छोटा ही है, मेरे देश में 10 ही राज्य है, मैं इसके पर आक्रमण करूंगा, एक और मेरा राज्य बढ़ जाएगा।
मेरा 5 किलोमीटर कम हो गया, मैं 5 किलोमीटर के लिए मैं 4 बॉम्ब डालूंगा, मैं उसको पीछे भगाऊंगा, 5 किलोमीटर लूंगा, 10 किलोमीटर मुझे और चाहिए, मैं बम डालते जाऊंगा, मैं बोलूंगा तुम पीछे जाओ पीछे जाओ। जिसके दिमाग में घूमते रहता है, शैतान का दिमाग है ये, परमेश्वर का दिमाग वो नहीं है। परमेश्वर ने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, ये सब राज उन्हीं का तो है, ये सब मानव जाति सब उन्हीं का तो है, मनुष्य सब लोग उन्हीं का तो है, उनके हाथों से बनी हुई रचना तो है ये, तो परमेश्वर भला इनके ऊपर क्यों युद्ध करेंगे, किसके ऊपर विरोध कर रहे हैं, किसके विरोध में युद्ध कर रहे हैं। जिस किसी ने भी उस पशु के उस स्त्री के द्वारा, जो लोग भी भरमाए गए हैं उस वेश्या के द्वारा, जो लोग भरमाए जाकर परमेश्वर के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए जिसने भी कदम बढ़ाया, अब परमेश्वर उसको भी प्रेमरी बुलाट दिया है, उसको भी समय दिया है। कल रात को मैंने कहा था लगभग 100 साल की आयु परमेश्वर ने सबको दिया, कम से कम 100 साल का उम्र क्यों दिया है, ताकि बच जाए, मन फिरा ले, पश्चाताप करे, परमेश्वर के राज्य प्रवेश कर जाए। खुदावंत ने कम से कम 100 वर्ष की सभी को उम्र दिया है, ताकि सब लोग नरक से बच जाए। नूह ने जब जल प्रलय के से पहले जो वो जहाज को बनाना शुरू किया था, परमेश्वर ने उनको 120 साल का अवधि दिया है ताकि वे भी बच जाए, लेकिन कोई नहीं बच पाया उसमें से। खुदावंत आपसे मुझसे जब बातें करते हैं, हर्मगिद्दोन की जो आखिरी जो रणभूमि में वो जो युद्ध चलने वाली है, परमेश्वर उसमें किसी को नहीं देखना चाहते, और खासकर परमेश्वर अब्राहम के संतान को तो नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अब्राहम के संतान ही वहां पर रणभूमि में दिखाई पड़ते हैं, देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं, हर्मगिद्दोन की जगह पर आते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो घोड़े पर सवार है, इनको श्वेत वस्त्र नहीं दिया गया है, ये लहू से भरा हुआ वस्त्र को पहनकर जाते हैं, लेकिन सवार है श्वेत घोड़े पर। यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर तैयार सवार है, लेकिन उनके वस्त्र के ऊपर, इसका मतलब यह है, इसका चिन्ह यह दिखाता है, आज जो युद्ध हो रहा है, आज जो हर्मगिद्दोन को युद्ध हो रहा है, जो भविष्य में संभव होने वाला है, प्रभु का कहना यह है कि यह युद्ध इस कारण से है, युद्ध इस कारण से, परमेश्वर अपनी ताकतों को निकालकर मार नहीं रहे। देखिए यहां पर भी परमेश्वर काम नहीं कर रहे, परमेश्वर के मुंह से तलवार निकल रही है। परमेश्वर के मुंह से कौन सी तलवार निकलती है? परमेश्वर के मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। कौन है वो दो धारी तलवार? उनका वचन है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली। और इनके साथ में कौन कौन आते हैं देखते हैं, इनके साथ में देखेंगे 11 वचन को। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत सा राज मुकुट है, और उसका नाम लिखा है जिसको उसे छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लोहे से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। किसका नाम है? परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, अवचन परमेश्वर के पास था, वही वचन देहधारियों का आया। किसका नाम है वचन? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए मैंने कहा, हम जो प्रकाशित वाक्य में, जो वहां पर 5वें अध्याय में जिस घोड़े का हम देखते हैं श्वेत घोड़े को, वो घोड़ा यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह यहां पर अभी आ रहे हैं, उनका नाम लिखा उसके ऊपर, उनका नाम है परमेश्वर का वचन। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल महीन पहने हुए उसके पीछे पीछे है। शुद्ध मलमल पहने कौन है? स्वर्ग की सेना। स्वर्ग की सेना का मतलब यहां पर स्वर्गदूत नहीं है, यह स्वर्गदूत नहीं है। क्यों स्वर्गदूत नहीं है? क्योंकि स्वर्गदूतों का श्वेत वस्त्र के बारे में कहीं पर जिक्र नहीं होता है। श्वेत वस्त्र जब यूहन्ना सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन थे, जो 24 सिंहासन पर बैठे थे, उन्हीं को उन्होंने श्वेत वस्त्रों से दिखाया था। श्वेत वस्त्र नहीं है। अगर यूहन्ना ने कहीं पर स्वर्गदूतों का श्वेत वस्त्र, हम अगर देखते कहीं पर भी देखे, जब भी जिब्राइल आते, कोई और आते हैं, कभी उनका वस्त्र का वर्णन नहीं किया गया। हम अपनी कल्पनाओं से यहां पर ये जो चलती है उसमें श्वेत वस्त्र पहन लेते हैं, और उसके साथ में 2 पंख लगा देते हैं। और अक्सर जब एंजल्स को दिखाना होता है तो छोटे छोटे बच्चों को बनाते हैं, छोटे बच्चों को। लेकिन शैतान को जब दिखाना तो बड़े व्यक्ति को दिखाते हैं।
बहुत अच्छा किया जिसने भी किया है। क्योंकि बच्चे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्गराज इनका है, तो उनको शैतान की तरह नहीं दिखाना चाहिए, उनको दूतों की तरह दिखाया। शैतान की तरह किसको दिखा रहे, किसी को काला रूप में, किसी को सिंहों के साथ में, किसी को लाल आंखों के साथ में, शैतान का स्वरूप दिखा रहे हैं। छोटियों यहां पर जो स्वर्ग की सेना दिखाई पड़ रही है वो स्वर्ग की सेना अर्थात परमेश्वर के संत जन है। कौन है ये लोग, देखे फिर से एक बार 14 वचन, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, जो श्वेत घोड़ा पर एक तो सवार है वो तो लहू का छिड़काव अवश्य पहना हुआ है, हमने देखा वो यीशु मसीह है, वो सत्य स्वरूप विश्वास योग्य है, वो सत्य कहलाता है, धर्म के साथ और न्याय का लड़ाई वो करता है, उनको देखा हमने। लेकिन यहां पर जो सेना को देखते हैं घोड़ों पर सवार अश्वेत और शुद्ध मलमल महीन पहने हुए उसके पीछे पीछे, शुद्ध मलमल महीन पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। ये कौन है मलमल महीन पहने हुए, मेरे साथ 7वें वचन में चलिए, 6वें वचन से देखिए, 6वें वचन से, verse number 6 से, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। किसने, मेमने की पत्नी ने अर्थात यीशु की दुल्हन ने, कौन है ये दुल्हन, कलीसे ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कैसे वस्त्र दिया गया 8वें वचन में, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोग के धर्म के काम है। तो स्वर्गदूत तो नहीं है, जिस सेना को हम देखते हैं वो स्वर्गदूत नहीं है, हम सब लोग यीशु मसीह के साथ में युद्ध करने के लिए वापस यहां आने वाले हैं। हम केवल स्तुति नहीं करेंगे, बहुत जिम्मेदारी है हमारी, बहुत से काम है हमारे, स्वर्ग में जाने के बाद केवल स्तुति नहीं करेंगे, केवल गाना नहीं गाएंगे, स्तुति गाने के लिए अलग लोग हैं, गीत गाने के लिए अलग लोग हैं, हम बहुत से कामों को करेंगे, उसमें से एक छोटा सा काम मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वें वचन में देखें, और जाति जाति के और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाखरौन देगा, और उसके वस्त्र पर जांग पर नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक तो उन्होंने लहू छिड़का हुआ वस्त्र को पहना है, लेकिन जब उनके नाम लिखा गया है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु लिखा गया। 17वें वचन, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान का मांस और घोड़ों का मांस और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों के मांस खाओ, सब लोगों के मांस खाओ। एक आह्वान दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, आकाश के पक्षियों को दे रहा है, यह आपके लिए नहीं है। मत सोचना कि प्रकाशित वाक्य में हम लोग को नॉनवेज खाने के लिए परमेश्वर ने लाइसेंस दिया है। नॉनवेज आप खाओ, उत्पत्ति की किताब में नो जिस दिन जल प्रलय से बाहर आ गया था उस दिन से उसने मांस खाना शुरू कर दिया, उससे पहले वो शाकाहारी था, आदम शाकाहारी था, सब लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी बन गए हैं। मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सभी लोग क्या बड़े क्या छोटे क्या अधिकारी क्या राजा क्या सामान्य प्रजा, सब लोग मारे जाने का वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। इसलिए क्या कहते हैं, उस भोज के लिए बुला रहे। इससे पहले कौन सा भोज के लिए बुलाया गया, धन्य है वे लोग जो मेमने की विवाह के ब्याह में बुलाए गए हैं, उसे उसके भोज में बुलाए गए हैं, धन्य है वे लोग जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं, वे सब लोग धन्य हैं। 7वें वचन देखते हैं, उसकी पत्नी ने अपने आप को शुद्ध कर लिया है। 9वें वचन, और उसने मुझसे कहा, यल्ले कि धन्य है वे जो मेमने की ब्याह में भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, और जैसी कहा तो मैं गिरकर दंडवत करने लगा। यहां पर 19वें अध्याय में 2 भोज देख रहे हैं हम लोग,
टू सपर्स, 19 अध्याय में दो भोज देख रहे, एक मेमने का ब्याह का रिसेप्शन, एक मेमने का ब्याह का रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन में बुलाए गए लोग धन्य हैं। मैंने कहा रिसेप्शन उनके लिए है जो दूल्हा के साथी है, दुल्हन के साथी हैं, उन्हीं को भोजन दिया जाता है। विवाह के समय विवाह करती हुई दंपति आए हुए अतिथियों को सभी को भोजन खिलाते हैं और सब लोग धन्य हैं जो लोग मेमने के विवाह के उस भोज में बुलाए गए हैं। दूसरा भोजन हम लोग यहां पर देखते हैं, आकाश के पक्षियों को अनदर सफर, एक और भोजन दिया जाता है। आओ सब लोग मांस खाओ, मांस का मांस खाओ। क्यों क्यों कहते ये बात? क्योंकि हर्मगेदोन की जब युद्ध होने वाली है, आखिरी जब युद्ध होने वाली है, उस खाई में वहां पर लाशों की ढेर पड़ी जाएगी, लाशों की बहुत बड़ी ढेर होगी वहां पर। यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा था, जैतून के पहाड़ पर उनसे पूछा, प्रभु कब आओगे, संसार का अंत कब होगा, राज्य कब वापस लौट आओगे? तब यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिखाया था उनको, उस चिन्ह में यह लिखा हुआ है, जहां पर क्या बोलते हैं लोथ है वहां पर गिद्ध नजर आएंगे, जहां पर लोथ है वहां पर गिद्ध नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पर भी कोई लाश पड़ी होती है, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो, कोई मैदान पर, आकाश के पक्षियों को मालूम पड़ जाता है। आकाश के पक्षी आकर घूमने लगते हैं उसके चारों ओर। आप खुले मैदानों में, बड़े मैदानों में देखते हैं, बड़े बड़े पक्षी आ जाती हैं। वे सब पक्षी आकर उनको देखते हैं, उनको ऊपर से नीचे आ जाती हैं और उनका भोजन वो करके वो चले जाते हैं। इस तरह से हर्मगेदोन की जब युद्ध हो जाएगी, युद्ध के बाद में लाशों को दफनाने का जगह नहीं रहेगा। अभी तो जैसे युद्ध हो जाता है, कभी कोई सेना में कोई मुठभेड़ में मारे जाते हैं, उनकी लाशों को ले जाते हैं, अपने अपने देश के लोग लेकर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी अंतिम क्रिया करते हैं, कोई अपनी रीति के अनुसार, अपनी पद्धति के अनुसार, कोई दफनाते हैं, कोई जलाते हैं, लाशों को लेकर जाते हैं। लेकिन हर्मगेदोन की जो युद्ध होती है, उस युद्ध के समय लाशों का ढेर वहां पर एक पूरा वैली भर कर रहेगा, एक पूरा खाई भर कर रहेगा वहां पर, और आकाश के पक्षी वहां पर ऊपर ऊपर मंडराते रहेंगे, गिरते घूमते रहेंगे। यही एक चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाया था, यह अंतिम चिन्ह होगा, हर्मगेदोन का जो चिन्ह होगा वह अंतिम चिन्ह होगा। इसलिए उनसे कहते हैं, आओ पक्षियों से कहते हैं, आओ तुम्हारे लिए भोज तैयार किया गया है, आओ तुम लोग आकर सब लोग भोजन करके जाओ, सब लोग भोजन करके जाओ। एक वचन को दिखाकर मैं आगे बढ़ता हूं, लूका को सुसमाचार में जाएंगे, लूका को सुसमाचार में जाएंगे, उसका 14वां अध्याय में जाकर उसके ओके 13 वचन से बढ़ेंगे। परंतु जब तू बोझ करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। जब तू बोझ करेगा, हम ये सब जानते इस वचन को, तो उन लोगों को बुला जिनके पास तुझे वापस देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कब मिलेगा प्रतिफल, कब मिलेगा? प्रभु कहते हैं, आज तू जो भी दान धर्म करता है, आज किसी गरीब को तू खिलाता है, किसी को तू मदद करता है, आज तू उसकी अपेक्षा न करना प्रतिफल की, इसका प्रतिफल तुझे कब मिलेगा? धर्मी जन जब जी उठेंगे, धर्मी लोग जब जी उठेंगे, उसके बाद 15 वचन में देखते हैं, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। परमेश्वर के राज्य में रोटी खाना धन्यता की बात है। धन्य है वे जो मेमने की ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। आकाश के पक्षियों को भोज दिया जा रहा है, उन्हें जीवनार दी जा रही है। लोका के सुसमाज में यहां पर हमने देखा, किसी मनुष्य ने जीवनार को सिद्ध किया, सभी लोगों को बुलवाने के लिए भेजा, उनमें से किसी ने कहा, नहीं नहीं मैंने अभी शादी किया है, किसी ने कहा मैंने अभी खेत खरीदा, किसी ने कहा मैंने अभी बैल का जोड़ खरीदा, मैं उन्हें देखने जा रहा हूं, उनमें से कोई नहीं आया। प्रभु ने तब क्या कहा, भोज के प्रधान ने तब कहा, नेता हर ने क्या कहा, जाओ जाकर सब लोगों को जो जो गलियों में घुमा दिखाई पड़ते, सड़कों पर दिखाई पड़ते, सभी को लेकर आओ, क्या अंधे, क्या लंगड़े, क्या टूंडे, भिखारी, सबको लेकर आओ, सबको खाना खिलाओ, सबको खाना खिलाओ, बोला उन्होंने। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू योर नेम जीसस।
सभी को बुलाने के लिए कहा। इन्हीं बातों को हम लोग देखते हैं 14 अध्याय का 15 वचन, पहला वचन से। मेरा शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे और देखो एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्था को फरीसियों से कहा कि क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं, परंतु वे चुपचाप रहे। तब भी उसने उसे हाथ फैलाकर उसे चंगा कर दिया और उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद तुमने ऐसा कौन है जो इसका गला बैल या कुएं में या गिर गड्ढे में या कुएं में गिर जाए तो वह शब्द के दिन उससे तुरंत वे इन बातों को कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहों पर चुन लेते हैं तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाते बुलाया जाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे तुझे क्या कहते किसी बड़े को नेवता दिया हो तो जिसने तुझे उससे नेवता दिया है वो देखेगा कि कोई बड़ा तुझसे भी बड़ा आया है, वो कहेगा कि तू अपनी जगह को छोड़कर आगे चला जा तो तेरा अपमान हो जाएगा। वहां पर बड़े जगहों के लिए भी मना करते, फिर वे क्या कहते इससे जीवनार के विषय में कहते हैं। आगे विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर तुझे जीवनार, तू किसी को जीवनार पर बुलाता है तो किसी को बुलाता है तो उसको बुला जिसके पास वापस तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दृष्टांत और कोई बता दे, यीशु मसीह कहते हैं कोई ये बहाना बताता है, कोई वो बहाना बताता है, कोई वो बहाना बताता है। जो बुलाए गए हैं वे लोग तो चुने नहीं गए हैं, लेकिन जिनको चुनना था प्रभु ने उनको चुन लिया है, सभी को न्योता दिया है। यीशु मसीह ने दृष्टांत दो रूप में बताता है। एक यह है कि किसी को सुसमाचार सुनाया गया लेकिन उन्होंने सुसमाचार को अंगीकार नहीं किया। दूसरा वो है यहूदियों के पास भी यीशु मसीह को भेजा गया लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो यीशु मसीह ने सुसमाचार को बाकी राज्य में प्रकट करना शुरू कर दिया है। अगर जब भी बुलाते हैं हम किसी को बुलाते हैं उसको बुलाए जिसके पास देने के लिए वापस कुछ भी नहीं है। प्रतिफल कब मिलेगा? धर्मियों के जी उठने के बाद में मिलेगा। ठीक है, सो मैं एक यहां पर एक बदल एक सबसे पहला उस व्यक्ति ने जो उनके साथ भोजन कर रहे थे उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा था कि वे धन्य है वह जो तेरे साथ में राज्य में भोज को करेगा या फिर भोजन को करेगा, रोटी खाएगा। एक सफर यह हो गया। दूसरा एक सफर है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में, जिन्हें हम लोग लास्ट सफर कहते हैं, लेकिन हम सब लोग कुछ लोग हर सप्ताह करते हैं, कुछ लोग 15 दिन में एक बार करते हैं, कुछ लोग महीने में एक बार करते हैं। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, वही लोग करते हैं। तीसरा एक सफर वो है, तीसरा वो सफर है जो कहला के भेज रहे हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। चौथा सफर वो है आकाश के पक्षियों को दिया जा रहा है, आकाश के पक्षियों को दिया जा रहा है। हमारे सामने सबसे पहले प्रभु ने प्रेम भरी आह्वान देकर हमसे कहा है, उस बोझ में शामिल हो जाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए यहां पर तय किया है। उस बोझ में तुम शामिल हो जाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए यहां पर तय किया है। अगर तुम यहां पर प्रभु के बोझ में शामिल नहीं होते हो, प्रभु के राज्य में भी शामिल होने का भाग्य नहीं है। चार प्रकार के बोझ हैं, उसमें से कम एक बोझ हम लोग को भागी होना जरूरी है। और धन्य है वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होते हैं और वे लोग उसके बाद में प्रभु के साथ में उसके विवाह में मेमना बनकर वहां पर उनकी दुल्हन बनकर वहां पर रहेंगे और बाकी लोग उनके क्या कहते हैं रिश्तेदार बनकर या फिर उनकी सेना बनकर उनके साथ में रहेंगे। आकाश के पक्षियों को भोजन खिला रहे हैं, ब्याह में वे लोगों को भोजन खिला रहे हैं, आपके घर पर किसी को भोजन खिला रहे हैं। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए तय किया हुआ प्रभु भोज को भोजन हम दे रहे हैं। इनमें से कौन से भोज में आप आज शामिल हो रहे हैं? अगर आप प्रभु ने तय किया हुआ इस भोज में शामिल होने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है तो आखिरी जो भोज है वो आकाश के पक्षियों का, उसका आहार आप बन जाओगे। आज जो कोई भी यहां पर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है वही प्रभु के मेज के पास जा सकता है। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं जाता और प्रभु के मेज के पास नहीं जाता, उस बोझ में शामिल नहीं होता है, उसे अंत में उसी जगह पर जाना पड़ेगा। एक और बोझ बाकी है और वो बोझ कभी खत्म नहीं होगा। कहां पर है वो बोझ हम लोग देखते हैं आज लास्ट में। इस रीति से 19वें अध्याय में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में 20वें वचन देखेंगे। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उन्हें भरमाया था, जिन्होंने उसकी छाप ली थी
और उसकी मूर्त की पूजा की थी, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। इन द लास्ट बीस्ट, आग की गंधक में डाल दिया गया है। आग का गंधक इंतजार कर रहा है, बादलों का इंतजार कर रहा है, कब आएंगे, कब मेरा भूख मिटाएंगे, कब मेरा प्यास मिटाएंगे। उसकी भूख में मिटाने वाले, उसकी प्यास मिटाने वाले कई सारे लोग। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम इन सब में से बच, जैसे मैंने आरंभ में कहा था, प्रभु नहीं चाहते हम में से कोई हर्मगिद्दोन के युद्ध में जाए या फिर हम में से कोई भी अधलोक के उस आग के झील में जाए या फिर हम में से कोई अपने स्थान को खोकर परमेश्वर की दंड को पाता उस जगह पर कोई भी ना जाए। इसलिए परमेश्वर प्रेम भरी बुलाहट बार बार हमें देते हैं, आओ वापस लौटा, वापस लौटा, मेरी राह पर आ जाओ, मेरी बात मानो और मेरी बात के अनुसार चलते रहो। गलत रास्ते को अपनाए हो उसे सुधारा, अपने आप को सही राह पर खड़ा करने का वक्त है। आज वापस आओ, प्रभु की प्रेम भरी बुलाहट मिलती है। कितने ही लोग हैं जो प्रभु को उद्धार करता मानने के बाद भी अपने मनों को कठोर करके प्रभु से दूर रहते हैं। सभी को प्रभु प्रेम से बुलाहट देते हैं। जो लोग अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह आज एक प्रेम भरी बुलाहट देते हैं। समय हमारे पास है, वचन भी प्रभु हमारे पास भेजे हैं। अपने मनों को सिद्ध करें, जीवनों को सुधारें, प्रभु की ओर देखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान आपको देते हैं। प्रभु आपके वचन से हमसे बातें की हैं, प्रेम भरी बुलाहट हमें दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे शेष जीवन परमेश्वर आप ही के शरण में बिताने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए हमें मौका दीजिए, ताकि परमेश्वर हम आपके पुत्र के आगमन के लिए प्रभु अपने आप को सही रीति से आपके वचन के आधार पर हमारे जीवन को संवारें और आपके राह पर चलते हुए आपके राज्य में प्रवेश कर पाए। जिस किसी ने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया है उनके उद्धार के लिए दुआ करते हैं। और प्रभु जो आपके पास पहुंच चुके हैं प्रभु जी, धर्मी होकर, पवित्र होकर, संतों की गिनती में रहते हुए शुद्ध पवित्र जीवन बिताने के लिए, हर किसी को मार्गदर्शन देने के लिए दुआ करते हैं। आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, फिर से एक बार प्रभु हम लोग सोमवार के दिन प्रभु जी इस प्रकार से मिलकर आराधना करने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ प्रभु जी, आपके पुत्र के आगमन हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपने हम सबको दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद। उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते सुनकर बल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य हम सबके साथ में प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे, आमेन 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 आमेन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।